हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2021 के लिए अब बीसीसीआई ने अपनी तैयारियां पूरी तरीके से स्टार्ट कर दी हैं, जहां पर सारी टीमों की ऑफिशियल रिलीज्ड और रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। ट्रेड विंडो की बात की जाए तो 4 फरवरी तक सारी टीमों को बोला गया है कि वो अपने अपने जितने भी ट्रेड करना चाहते हैं उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। लेकिन गाइज, इसके साथ ही रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में कुछ बहुत बड़े नाम हमें देखने को मिले थे, जिसमें कि यहाँ पर कुछ ऐसे नाम थे जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग कैसे रिलीज हो गए थे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कौन से 3 बड़े प्लेयर्स को रिलीज करने के बाद उनकी टीमें पछता रही हैं। इसके साथ ही आपको ये प्लेयर्स अगले साल यानी कि आईपीएल 2021 में बिल्कुल सेम टीम से खेलते हुए नजर आएंगे, यानी कि जिस टीम से वो रिलीज किए गए हैं वापस उसी टीम से आपको ये प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है किंग्स इलेवन पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल का। मैक्सवेल को केएक्सआईपी की टीम ने रिलीज कर दिया था अपने बैलेंस पर्स को बढ़ाने के लिए, और वो ये करने में यहाँ पर पूरी तरीके से एबल भी रहे, क्योंकि पंजाब का बैलेंस पर्स अब बाकी टीमों के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही हो चुका है। 53.75 करोड़ का बैलेंस पर्स केएक्सआईपी के पास आ चुका है, और गाइज यही वजह है कि मैक्सवेल को रिलीज करना कहीं ना कहीं उनके लिए ऑक्शन में फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन मैक्सवेल को रिलीज करने की बात की जाए तो इन्होंने आईपीएल की फॉर्म के बेसिस पर और उनके प्राइस के बेसिस पर उनको रिलीज कर दिया था। लेकिन गाइज, मैक्सवेल ने भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जो फॉर्म दिखाई थी, इसके साथ ही बीबीएल में भी वो काफी ज्यादा कमाल के नॉक समय खेलते हुए नजर आए, तो उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से केएक्सआईपी ने रिस्क जरूर लिया है उनको अपनी टीम से रिलीज करके। और गाइज, यही वजह है कि ऑक्शन में जब मैक्सवेल आएंगे तो केएक्सआईपी की टीम आपको एक बार फिर से उनके ऊपर बिडिंग करते हुए नजर आएगी। लेकिन ऑब्वियसली 10.75 करोड़ मैक्सवेल के लिए बहुत ही ज्यादा प्राइस था, तो केएक्सआईपी की टीम 4 से 5 करोड़ रुपए में इनको अपनी टीम में वापस लाने के लिए जरूर ट्राई करते हुए आपको दिखेगी। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं इस लिस्ट में दूसरे बड़े प्लेयर की, और यहां पर नाम निकल कर आता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के क्रिस मॉरिस का। मॉरिस की बात की जाए तो लास्ट बार इनको इंजरी के काफी ज्यादा इश्यूज आए थे, जिसकी वजह से 10 करोड़ रुपए में जो इनको शामिल किया गया था वो वर्थ नहीं लग रहा था, क्योंकि आधे टाइम ये बेंच पर ही बैठे रहे। हालांकि जितने भी मैचेस इन्होंने खेले, आरसीबी की बॉलिंग में नया ये पैनापन लेकर आए, आरसीबी के बॉलिंग अटैक को इन्होंने काफी अच्छे से लीड किया था। लेकिन गाइज, ऑब्वियसली मॉरिस के इंजरी के इश्यूज और उनके इतने हाई प्राइस को देखते हुए आरसीबी को मजबूरी में उन्हें रिलीज करना पड़ा। लेकिन गाइज, जैसे ही मॉरिस यहां पर ऑक्शन में आते हैं तो माइक हैसन ने अपनी यहां पर आरसीबी की डेडिकेटेड वीडियो में बताया है, अगर आप लोग इनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो तो उन्होंने बताया है कि क्रिस मॉरिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन है और वो जरूर ट्राई करेंगे ऑक्शन में उनको वापस खरीदने का। लेकिन इस बार ऑब्वियसली 10 करोड़ तक वो नहीं जाएंगे। मॉरिस के हिसाब से उनका जो प्राइस है वो है 2 से 3 करोड़ का। अगर इतने में वो मिल जाते हैं या फिर इवन 4 करोड़ में भी मिल जाते हैं तो भी आरसीबी की टीम उनको अपनी टीम में वापस पिक कर लेगी। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं इस लिस्ट में तीसरे बड़े प्लेयर की, और यहां पर नाम निकल कर आता है दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी का। कैरी को डीसी की टीम ने रिलीज कर दिया था क्योंकि ऋषभ पंत ऑलरेडी इनके पास विकेटकीपर हैं, और जैसे ही ऋषभ पंत लास्ट ईयर नहीं खेले थे तो एलेक्स कैरी डीसी की टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर आते थे, तो उनकी वजह से एक बॉलर को बाहर बैठना पड़ता था। और दिल्ली कैपिटल्स हेनरिक नॉर्किया और उनके साथ ही कगिसो रबाडा दोनों को एक साथ प्लेइंग 11 में नहीं खिला पा रही थी, और यही वजह है कि डीसी की टीम ने इनको रिलीज कर दिया था। लेकिन एलेक्स कैरी बीबीएल में पूरी तरीके से फॉर्म में आ चुके हैं, जहां पर 52 बॉल में इन्होंने 100 लगा दिया, और उसके साथ ही वापस बहुत सारी टीमें एलेक्स कैरी को जिनको एक बैकअप विकेटकीपर चाहिए वो अपनी टीम में शामिल करने के लिए पूरी तरीके से तैयारियों में लग चुकी है। और गाइज, बीबीएल की परफॉर्मेंस की वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी अब वापस से कंसिडर करने वाली है एलेक्स कैरी को, क्योंकि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेटकीपर बैट्समैन है करेंटली, जिनको डीसी की टीम ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाई। तो ऐसे में आपको डीसी की टीम एक बार फिर से नीलामी में एलेक्स कैरी के पीछे जाते हुए नजर आएगी। तो गाइज, ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए अगली वीडियो आप लोग किस टॉपिक या फिर किस टीम के ऊपर देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।